हाय फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आ चुकी हूँ आप सभी के बीच एक और नई जबरदस्त जॉब वैकेंसी की अपडेट को लेकर, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है झारखंड एसएससी की तरफ से। तो फ्रेंड्स, झारखंड एसएससी की तरफ से सीजीएल के वेरियस पोस्ट पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हो चुकी है। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि झारखंड स्टेट की वैकेंसी है तो सिर्फ झारखंड वाले एस्पिरेंट्स ही अप्लाई करेंगे। ये आपको ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए आपका वैकेंसी आई है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। ये एक बहुत ही बेहतरीन जॉब प्रोफाइल है फ्रेंड्स। तो अगर इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आगे इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, किस डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेगा। तो चलिए अभी सारा चीज आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस जबरदस्त रिक्रूटमेंट को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पहले भी बताया कि वैकेंसी आई है झारखंड एसएससी की तरफ से सीजीएल की पोस्ट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स बता दूं कि आपका फॉर्म जो है वो आपका 20 जून से अप्लाई होना स्टार्ट होगा और उसके लिए लास्ट डेट आपको 19th ऑफ जुलाई रहने वाला है। सो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। जैसे ही 20 जून से फॉर्म स्टार्ट होता है, आप कोशिश करो कि जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कर दो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको फ्रेंड्स 2017 देखने को मिलेगा, मतलब कि 2017 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आ रही है। फॉर्म की फी की बात करूं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को यहां पे 100 रुपीज लगने वाला है। वही एससी एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल को आपको 50 रुपीज लिया जाएगा फॉर्म का फी। एज लिमिट एज ऑन आपका 1st अगस्त 2023 देखने को मिलेगा। आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के आपको मेल कैंडिडेट्स का एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स रहेगा और मैक्सिमम 35 ईयर्स देखने को मिल जाएगा। ये मैंने बताया फ्रेंड्स आपको मेल कैंडिडेट्स के लिए। वही अगर आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट्स की एज लिमिट की बात करूं तो आपका मिनिमम 21 इयर्स रहेगा और मैक्सिमम 38 इयर्स रहने वाला है। ईबीसी 1 और बीसी 2 के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 21 इयर्स है और मैक्सिमम 38 इयर्स रहने वाला है। एससी और एसटी कैंडिडेट यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही एससी एसटी के कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट आपका मिनिमम 21 इयर्स है और मैक्सिमम 40 इयर्स देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आए हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है और उनको कितना सैलरी दिया जाता है। सो फर्स्ट फ्रेंड, आप सहायक प्रसारक पदाधिकारी की पोस्ट है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको 863 टोटल सीट्स है और आपको इसमें सैलरी जो है 44,900 टू 1,42,400 तक आपको सैलरी मिलती है। सेकेंड आपका पोस्ट है कनीय सचिवालय सहायक के लिए। इसमें आपको 335 टोटल सीट रहने वाला है और इसकी सैलरी फ्रेंड्स आपको 19,900 टू 63,200 तक रहने वाला है। थर्ड पोस्ट आपका श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए है। इसका टोटल सीट 182 है और आपका सैलरी जो है फ्रेंड्स वो आपका 35,400 टू 1,12,400 तक देखने को मिलेगा। फोर्थ पोस्ट आपकी प्लानिंग असिस्टेंट की रहने वाली है। इस पे आपको 5 टोटल सीट्स रहने वाला है। इसकी सैलरी फ्रेंड्स आपको 29,200 टू 32,300 तक देखने को मिलेगा। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी आपकी 5वीं पोस्ट है। इसके लिए आपका टोटल सीट्स 195 है और आपको इसमें जो सैलरी दिया जाता है फ्रेंड्स वो आपका 35,400 टू 1,12,400 तक रहता है।
आपका जो है सिक्स्थ पोस्ट है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए, इसका टोटल वैकेंसी आपका फ्रेंड्स 252 आया है। इसका भी आपको सैलरी 35,400 टू 112,400 तक रहने वाला है। सेवेंथ एंड लास्ट पोस्ट आपकी है अंचल निरीक्षक सह कानूनगो की पोस्ट के लिए, ये आपका 185 सीट्स रहने वाला है और इसमें भी आपको सेम ही स्केल की सैलरी देखने को मिलती है, मतलब कि 35,400 टू 112,400 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। फ्रेंड्स अब हम लोग बात करें मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आपने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है या फिर आपने बीएससी कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स परसेंटेज की भी कोई इशू नहीं है, बस आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एकदम एलिजिबल रहोगे। सेलेक्शन प्रोसेस बात करूं फ्रेंड्स तो आपका दो मेजर स्टेज होता है, आपका फर्स्ट रिटन पेपर होता है पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री का, मतलब कि सेम ही डे आपका टू टू आवर्स का आपका थ्री पेपर होता है, सिक्स आवर का टोटल एग्जाम होता है। सेकेंड आपका जो होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग जानते हैं कि इसमें जो पेपर वन टू थ्री होने वाला है इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। फ्रेंड्स पेपर वन जो है आपका लैंग्वेज का पेपर होता है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, इसमें आपको दो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी और इंग्लिश से, हिंदी के 60 क्वेश्चन इंग्लिश के 60 क्वेश्चन, आपका पर क्वेश्चन 3 मार्क मिलता है यानी कि 60 क्वेश्चन आपको 180 मार्क के, तो दोनों मिला के आपको 120 क्वेश्चन हो गया 360 मार्क का और ये आपका 2 आवर्स का पेपर होता है। और इसमें फ्रेंड्स कम से कम आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स 30% लाना है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। फ्रेंड्स पेपर टू आपका रीजनल या ट्राइबल लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, आपका 100 क्वेश्चन 300 मार्क का और ये भी आपका 2 आवर्स में होता है। इसमें फ्रेंड्स रीजनल या फिर आपके सिलेक्टेड लैंग्वेज, जैसे कि अगर आपको हिंदी इंग्लिश बंगाली खासी मुंडा ओरा जो भी आपको लैंग्वेज आती है आप इसमें से कोई एक सेलेक्ट करके उसके आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 2 आवर्स में और 300 मार्क का रहेगा। और फ्रेंड्स इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा, 1 मार्क का निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं पेपर थ्री की, जो कि आपका 150 क्वेश्चन का होता है, 450 मार्क्स होते हैं इसके और आपको ये भी 2 आवर्स का पेपर होता है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि ये जो 150 क्वेश्चंस है आपको किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने मार्क के पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स पहला सब्जेक्ट आपका होता है जनरल साइंस, इसका आपको 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होता है। सेकेंड आपका जनरल स्टडीज रहता है, ये आपका 30 क्वेश्चन 90 मार्क का रहता है। थर्ड आपका रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का पोर्शन होता है जो कि 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होता है। आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन रहते हैं 60 मार्क्स के। जीके यानी कि आपको नॉलेज अबाउट ऑफ झारखंड का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 40 क्वेश्चन 120 मार्क के। आपका फिफ्थ एंड लास्ट सब्जेक्ट जो होता है वो कंप्यूटर का होता है, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आपको 60 मार्क्स के इसमें रहते हैं। तो मींस आपका 150 क्वेश्चन 450 मार्क्स के आपको 2 आवर्स में कंडक्ट कराया जाता है। फ्रेंड्स इसमें जो आपका क्वेश्चन होता है ना वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलता है और इसमें भी फ्रेंड्स आपको निगेटिव मार्किंग रहता है, आपको 1 मार्क का निगेटिव मार्किंग होता है। और झारखंड एसएससी की तरफ से फ्रेंड्स एग्जाम का कोई प्रॉपर डेट अनाउंस नहीं किया गया है, बट जैसे कि आप देख पा रहे हो कि फॉर्म जो है लास्ट अप्लाई हो रहा है आपका 19th ऑफ जुलाई को, तो मान के चलेंगे हम लोग कि अगस्त या फिर सितंबर में इसका जो है वो रिटर्न एग्जाम जो ओएमआर बेस्ड होता है ऑफलाइन एग्जाम वो भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आपको अपने प्रिपरेशन की स्पीड को इनक्रीज करना है और अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप इस अच्छे प्रोफाइल की जॉब को क्रैक कर पाओ। और फ्रेंड्स आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जॉब का लोकेशन, तो जैसा मैंने आपको बता रखा है कि झारखंड एसएससी की तरफ से वैकेंसी आई है तो ऑब्वियसली आपका लोकेशन जो है वो झारखंड स्टेट में ही रहने वाला है। सो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने जो भी आपको डिटेल बताए हैं वो आपको समझ में आ गई होगी झारखंड एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग।
और अगर आपको समझने में कोई सा भी डाउट है ना फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप झारखंड SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके थोरो आउट आप रीड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट्स की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस जॉब अपडेट को शेयर कर देना, ताकि उनको भी आगे टाइम टाइम पे न्यू जॉब अपडेट की मिलती रहे। सो मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।